साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे NIOS उर्दू क्लास 10 सबक नंबर 25 मीर अनीस के बारे में पढ़ेंगे और इनके ज़रिए जो चीज़ लिखी गई है मर्सिया उसको पढ़ेंगे और साथ में अलमुश्किल अल्फाज, सवाल जवाब और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले मीर अनीस का तारुफ पढ़ लेते हैं। मीर बब्बर अली अनीस बुलंद पाया मर्सिया निगार 1804 में फैज़ाबाद में पैदा हुआ, लेकिन बाद अजीब अपने वालिद के साथ लखनऊ चलेगा, वहीं तमाम गुजरा। मीर अनीस का मुताला बड़ा वसीव, अरबी फारसी के साथ साथ अपने ज़माने में राइज तमाम उलूम से खूब वाकिफ थे। शायरी विरासत में मिली, मीर हसन उनके दादा थे और वालिद मीर खाली बाकमाल शायर, इसलिए शायर गोई इब्तिदा बचपन ही में हो गई। शुरू में गज़लें कहते थे लेकिन जल्द ही मर्सिया गोई की तरफ माइल हो गए। उसमें ऐसी शोहरत पाई कि आज तक कोई दूसरा शायर पैदा हो। मर्सिया के अलावा बागियात में भी अनीस का मर्तबा हासिल है। रुबाइयात में अनीस ने मर्सिया गोई और मर्सिया खानी दोनों को इस फन का दर्जा दिया और एक वक़ार कलाम शायर और माहिर फनकार थे। ज़बान पर उन्हें कुदरत हासिल थी, लफ्ज़ों से इंतखाब और इस्तेमाल में उनकी कोई सानी ना था। मंजर निगारी में ऐसा कमाल हासिल था कि आंखों के सामने तस्वीर खिंच जाती। जज्बात मतलब जब कोई चीज़ बयान करते थे ऐसा लगता था ये बिल्कुल सामने, जैसे आप TV में देखते हैं। मर्सिए के ज़माने ज़बान के बारे में अनीस का ख्याल है। रोज़मर शरफा कहो सलामत हो वही लबो लहजा वही सारा हो मतानत हो वही सामयी जल समझ लें जिसे सनात हो वही यही यानी मौका हो जहाँ जिसकी इबारत हो। ओहो, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। मर्सी के अशार की तशरीह कर सकेंगे और मुसद्दस की तारीफ़ ये सब पढ़ेंगे। आइए इनका मर्सिया पढ़ते हैं। उन बंदों में शहादत का मंजर पेश किया गया। इसमें था ये नारा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से दिख जाए। था ये नारा कि मोहम्मद का नवासा हूँ मैं, मुझको पहचानो खालिक का शनासा हूँ मैं, ज़ख्मी होने से न मरने से हरासा हूँ मैं, तीसरा दिन है ये गर्मी में के प्यासा हूँ मैं, चैन क्या चीज़ है आराम किसे कहते हैं, अब ये शिकवा नहीं कुछ सब्र उसे कहते हैं। तो प्यास की वजह से, शिद्दत की वजह से जो बात हुई उसको बयान किया। बेवतन हूँ ना मुसाफिर को सताओ अल्लाह, कत्ल क्यों करते हो तुम कौन सा, कत्ल क्यों करते हो तुम कौन सा, मेरा है गुना अब न यारो कोई साथ न लश्कर न सिपाह, तुमको लाजिम है गरीबों पे तरहम की निगाह। बड़ी दर्द भरी है। हाथ आएगा ना इनाम नजर पाओगे, याद रखो मेरा सर काट के पछताओगे, पहले तीरों से कमादारों ने छाती छानी, नेजे पहलू पे लगाते थे सितम के बानी, सर पे तलवार चली जख्मी हुई पेशानी, खून से तर हो गया हजरत का रुख नूरानी, जिस्म सब चूर था पुर्जे थे जर्रे जामे के, पेच कट कट के खुल जाते थे अमामे के। ओहो जालिम, बहुत जालिम थे। खींच कर सीने से नेजा जो बड़ा दुश्मने दी, झुक के हजरत ने रखी खाक पे सजदे में जगह। क्या नमाज थी। तेज करता हुआ खंजर को बड़ा शिमरे लगी आसमां हिल गया थर्रा गई मक्तल की जमीन, क्या कहूँ तेग को किस तरह गले पे रखा, पाँव खुरा पे रखा खलक पे खंजर। अल्लाह, तो देखा आपने किस तरह इन्होंने बयान करा।
ऐसा लगा कि वो मंजर आप और हम सामने देख रहे हैं। पढ़ने में इतने आसान अल्फाज, खालिक पैदा करने वाला, शनासा जान पहचान वाला, हरा सा डरा हुआ, शिकवा शिकायत, यारो मददगार, लाजिम ज़रूर, ज़र माल, छाती छाती छलनी कर देना, सितम का बानी, जुल्म की बुनियाद रखने वाला, अमामा साफा पगड़ी, रुखे नूरानी, नूर से चमकता हुआ चेहरा, ज़र जामा काहनी लिबास, अमामा सर पर बांधने वाला कपड़ा। तो ये दोबारा से यहाँ पे तशरीह भी दी गई है, अगर आप चाह रहे हैं सर आप तशरीह दिखा दें तो आपके लिए देखिए मैंने तशरीह भी लिख दी है यहाँ पे, ठीक है। मतन पर मबनी सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लम के नवासे कौन थे? तो इसका जवाब आएगा हज़रत इमाम हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन 3 दिन से प्यासे थे, क्यों? इसका जवाब है यजीदी फौज ने उन्हें पानी पीने नहीं दे रही थी। मुकालमा किसे कहते हैं? ऐसी बातचीत जिससे अमल और रद्द अमल भी जाहिर हो। अनीस की जबान कैसी थी? आसान और आम फहम। खाली जगह भरिएगा, अगले पेज पे भी कुछ है, इसको भी पढ़ लीजिए, ये भी तशरीह और खाली जगह है। इसके बाद यहाँ पे भी कुछ सवाल आते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं मतन पर मबनी सवाल आते हैं। ठीक है, लफ्ज सनत तजाद की मिसाल, अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अख्तितामी सवाल, जूम कर लेता हूँ थोड़े से, के मरसिया की तारीफ, मरसिया ऐसी नज़म को कहते हैं इसमें किसी मरने वाले पर रंजो गम का इजहार। मरसिया की अज़ाद तरकीबी क्या है? चेहरा, सरापा, रुखसत, अम्र, जज, जंग, शहादत भी। अब अगला मीर अनीस के अंदाज़ बयाँ पर तबसरा, मीर अनीस का अंदाज बयाँ आम फहम। हर मिसरे का मुकालमा बन गया मुकालमा आमतौर बातचीत, लेकिन बातचीत में रद्द अमल नहीं होता, जबकि मुकालमे में अमल और रद्द अमल तकरार होती है। इस मरसी में जहाँ मुनासबत लफ्जी की मिसाल है उनकी फहरिस्त तैयार कीजिए। इस मरसिए में जहाँ जहाँ मुहावरों का इस्तेमाल हुआ है वो इस तरह है, हाथ आएगा ना इनाम नज़र पाओगे, ठीक है जी। अब ये इम्पोर्टेंट है, इस मरसिए में रियायत लफ्जी किसे कहते हैं? रियायत लफ्जी सनत को कहते हैं, इसमें कोई लफ्ज़ किसी दूसरे लफ्ज़ की रियायत से इस्तेमाल हो। अब ये दीगर सबक से मुतालिक दीगर अहम सवालात, अहम, इमाम हुसैन की जंग किस से थी और कहाँ? इमाम हुसैन की जंग यजीद से थी और ये जंग इराक में करबला के मैदान में हुई थी। इमाम हुसैन को किसने शहीद किया? इमाम हुसैन को शिमरे लैन ने शहीद किया। अब अगला सवाल है कि इस मरसिए में जहाँ सनद तजाद की मिसालें उन्हें लिखिए, ज़मी आसमा सनद तजाद की मिसालें, इसके अलावा दीगर मिसालें भी हैं, दिन रात हाथ पैर। यजीद को दीन का दुश्मन क्यों कहा जाता है? यजीद को दीन का दुश्मन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन से जंग की थी और उन्हें और उनके अहल वयाल को बहुत बेरहमी और बेदर्दी से कत्ल किया था। उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ में आया होगा और इसके सारे सवाल जवाब और इम्पोर्टेंट सवाल जवाब भी समझ में आए होंगे। हर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उर्दू के रिगार्डिंग के भी सर इसके इम्पोर्टेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम डेली अपडेट करते जाएंगे आपके लिए, 2-3 सबक और इम्पोर्टेंट भी वीडियो बनाते जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए, और अगर किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, एडमिशन करवाना है ना इसमें, तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।